नमस्कार, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं फोर टक्स ब्लाउज का कटिंग। तो फिर चलिए जल्दी से जल्दी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बनाने वाले हैं बैक साइड। तो उसके लिए लेते हैं लेंथ लेनी है हमें 13 इंच और प्लस उसमें हमें 1 इंच बढ़ाना है, मतलब 14 इंच पर। यहाँ पे लेंथ 14 इंच पर, शोल्डर लेंगे 5 इंच पर, गले की ब्रॉडनेस 2.5 इंच पर, आर्म होल 6 इंच, चेस्ट 32 और उसका 1/4 आएगा 8 इंच पर। यहाँ पे 8 इंच और प्लस इसके आगे हमें बढ़ाना है 1.5 इंच। बैक साइड का गला है 6 इंच पर, कमर है नीचे 28 और उसका 1/4 आएगा 7 इंच पर यहां से आगे, और इसके आगे हमें बढ़ाना है 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे आर्म होल में बैक साइड में लेने वाले हैं हम 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच और यहाँ पे गला भी हमें राउंड शेप में रखना है। तो ये हो गई हमारी बैक साइड, अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब हम बनाते हैं फ्रंट साइड। ये जो हमने बैक साइड बनाई है इसको इसके ऊपर रखेंगे, मार्किंग कर लेते हैं हम। फ्रंट साइड का गला है हमारा 5.5 इंच और प्लस उसमें हमें 1/2 इंच मिलाना है 6 इंच पर। ये जो है इसके आगे हमें और 1.5 इंच बढ़ाना है, यहाँ पे आ गया है 1.5 इंच, नीचे भी लेते हैं 1.5 इंच आगे। आर्म होल है हमारा 6 इंच पर, यहां पर लेंगे 1 इंच आगे फ्रंट साइड में। यहां से ऊपर लेना है अब हमें 3 इंच इधर की साइड में, यहाँ पे 3 इंच और इधर की साइड में लेना है 2.5 इंच। यहां से अब सीधी लाइन देनी है हमें, यहां से अब हमें राउंड शेप देना है। अब लेते हैं हमारे टक्स पॉइंट। गले के नीचे लेना है हमें 2.7 इंच, यहां से आगे 4 इंच पर, यहां से ऊपर 2 इंच, साइड में हमें 1/4 इंच लेना है और इधर की साइड में 1/4 इंच लेना है, तो पूरा मिलाकर हमें 1.5 इंच लेना है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में हमें 2 इंच का अंतर रखना है। तो यहां तो हमारा ये जो पॉइंट है ए यहां पर आएगा यहां तक, इधर की साइड में भी हमें इन दोनों के बीच में 2 इंच का अंतर रखना है, और यहां पे यहां का जो पॉइंट है इसमें हमें 1.5 इंच का अंतर रखना है, और इन दोनों के बीच में भी हमें 2 पॉइंट का ही अंतर रखना है। तो इस तरह से हम जो टक्स पॉइंट है वो निकाल सकते हैं। अब हम इसे भी कट कर लेते हैं।
अब हम बनाते हैं स्लीव्स। स्लीव्स की लेंथ, स्लीव्स की लेंथ है 6 इंच और प्लस उसमें हमें आधा इंच मिलाना है सिलाई मार्जिन के लिए। 6.5 इंच पर आएगा यहाँ पे 6.5 इंच। यहां से नीचे लेना है हमें 3 इंच पर। स्लीव्स की गोलाई आएगी 4.5 इंच पर, यहाँ पे 4.5 इंच। इसके आगे 1.5 इंच बढ़ाना है। नीचे आर्म होल है 6 इंच पर, यहाँ पे 6 इंच। इसके आगे पर लेना है हमें 1.5 इंच। यहाँ पर यहां से नीचे लेंगे 3 इंच पर। अब हमें यहां से यहां तक राउंड शेप में जोड़ देना है। स्लीव्स है फ्रंट साइड और यह बैक साइड। तो फिर कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर चलिए, मैं मिलती हूँ आपको अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।